मॉड्यूल 196 ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोथमिक डिसऑर्डर फैमिली थेरेपी सो ना वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ फैमिली थेरेपी अब हम उसमें ये देखेंगे कि हम किस तरह फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं उन क्लाइंट के साथ जिनको साइक्लोथमिक uh, का प्रॉब्लम होता है अब जब हम साइक्लोथीमिया का प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है साइकिलो एजुकेशन साइको एजुकेशन के अंदर हमें पेरेंट्स को ये बताना होता है कि बच्चे का नेचर ऑफ इलनेस क्या है ठीक है यानी यूजुअली ये होता है कि क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये एक लाइफ लॉन्ग टाइम लाइफ लॉन्ग जो है ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से जो इसका रिफ्लेक्शन है वो कंटीन्यूस रहेगा तो इस वजह से पेरेंट्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इनके मूड स्विंग्स हैं ये जो हैं ये कंटीन्यूस रहेंगे उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजीज़ फैमिली की तरफ से नहीं होगी और क्लाइंट की तरफ से नहीं होगी तब तक मेडिकेशन एडहेरेंस नहीं आ सकती अगर मेडिकेशन एडहेरेंस आ जाएगी तो डेफिनेटली जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं तो सबसे पहले फैमिली को ये बताने की ज़रूरत है कि जो डिजीज़ है उन्होंने उसको एक्सेप्ट करना है देन उनको ये भी बताना है कि जो पर्सनैलिटी है क्लाइंट की दैट इज डिफरेंट देन द डिजीज़ ठीक है तो वो डिजीज़ को और पर्सनालिटी को इकट्ठा ना कर लें जिस तरह हम कहते हैं कि यूजुअली लोग जो है वो स्टिगमाटाइज हो जाते हैं कि ये तो है ही लाइक जिस तरह हमारे यहाँ कल्चरली वर्ड्स बोले जाते हैं कि ये पागल है ठीक है तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ लाइक समथिंग अबाउट द डिज़ीज़ कि वो एक प्रॉब्लम है जिस तरह लोगों को शुगर होती है या ब्लड प्रेशर होता है तो दैट डज़ नॉट मीन कि वो जो शख्स है वो कुछ डायबिटिक Uh, जो है उसको हम ये कह दें कि ये जो है ये यूजलेस पर्सन है सो दिस इज़ नॉट समथिंग तो हमें ये उनको बताना होता है कि जो पर्सनालिटी है उस शख्स की जो वो बीइंग अ पर्सन है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट देन द डिजीज़ तो ये चीज़ जो है ये उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है देन uh, एक और चीज़ जो हम फैमिलीज़ में देखते हैं वो होता है हाई एक्सप्रेसड इमोशन ये यूजुअली देखा गया है कि जो फैमिलीज होती हैं जहाँ पे मूड डिसऑर्डर या सैकॉटिक फीचर्स क्लाइंट रिफ्लेक्ट करते हैं uh, या, या शीजोफेनिया का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे हाई एक्सप्रेस इमोशंस जो हैं वो फैमिली में होती हैं अब हाई एक्सप्रेस इमोशन क्या क्या मतलब है क्रिटिसिजम हॉस्टैलिटी ओवर ओवरली इन्वॉल्व अब क्रिटिसिज्म के जो पेरेंट्स हैं हार्श पेरेंटिंग है क्रिटिसाइज कर रही हैं कोई भी चीज़ बच्चा कर रहा है उसको आपने इंकरेज नहीं करना यू आर ऑलवेज बी क्रिटिकल टूवर्ड्स द क्लाइंट हॉस्टैलिटी हार्श पेरेंटिंग है गुस्सा है बहुत ज़्यादा एग्रेस एग्रेशन घर के अंदर बहुत इजीली मैनिफेस्ट uh, होता है तो ये जो हॉस्टैलिटी का इन्वायरमेंट है ये पेरेंट्स आमतौर पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं इमोशनली ओवर इन्वॉल्व ठीक है इमोशनली बच्चे के अंदर ओवर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं स्पेस नहीं दे रहे होते हैं अन बाउंड्रीज होती हैं जिसकी वजह से ये सारी इमोशनल डिसरेगुलेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चे के अंदर डेवेलप हो सकते हैं तो वी नीड टू बी टेल देम दैट दे नीड टू बी लोअर डाउन द क्रिटिसिजम लोअर डाउन द हॉस्टैलिटी एंड लोअर डाउन द इमोशनल ओवर इन्वॉलमेंट इन द चाइल्ड जब वो इन तीन चार चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं तो बहुत हद तक ये देखा गया है कि जो इन्वायरमेंट का चेंज है वो बच्चे की पर्सनैलिटी को भी चेंज करता है उसके मूड को भी चेंज करता है तो वी नीड टू बी इन्फॉर्म द पेरेंट्स अबाउट दिस थिंग सो Uh, the difference can be uh, seen in the child's behavior. Thank you.